कटरीना कैफ जा रही हैं डिप्रेशन में। यस, सुनने में आया है कि रणबीर से ब्रेकअप के बाद कटरीना डिप्रेशन की शिकार हो चुकी हैं। 13-13 घंटे की नींद ले रही हैं। ठीक एक साल पहले कटरीना ने जब मीडिया में ये कहा था कि मेरा शेड्यूल इतना बिजी है कि मैं बहुत कम सो पाती हूँ, उनकी फिटनेस ट्रेनर यास्मीन कराचीवाला ने कहा था कि वो सिर्फ रात में 2 या 3 बजे तक फिटनेस ट्रेनिंग करती हैं और उसके बाद कुछ घंटे सोती हैं। कटरीना ने कहा था कि वो नींद छोड़ सकती हैं लेकिन फिटनेस रूटीन नहीं। लेकिन अब देखिए कटरीना कैफ 13-13 घंटे सिर्फ सो रही हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये बात मानी भी, शायद ये असर है ब्रेकअप का। कटरीना के एक बहुत ही करीबी दोस्त ने कहा है कि 8 घंटे की नींद नॉर्मल होती है, कुछ लोग 10 घंटे भी सो जाते हैं, लेकिन कटरीना आजकल 13-13 घंटे सो रही हैं, विच इज नॉट नॉर्मल एट ऑल। इस सिलसिले में कुछ साइकोलॉजिस्ट से बात की गई तो पता चला कि पोस्ट ब्रेकअप इफेक्ट कहा जाता है इस फिनोमेना को। इसमें इंसान अपने ही थॉट प्रोसेस से दूर भागना चाहता है, जरूरत से ज्यादा सोना चाहता है। पिछले साल दीपिका पादुकोण ने वर्कलोड के चलते डिप्रेशन होने की बात को स्वीकार लिया था। दीपिका ने कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई थी जिसके थ्रू वो कुछ पॉजिटिव स्टेप्स उठा सके। तो अब लगता है कि कटरीना कैफ फ्यूचर की संगीता बिजलानी ना बन जाए, इसलिए उन्हें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जल्द ही।